हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू कन्वर्ट द टाइम इन आवर्स टू मिनट्स। हम आवर्स से मिनट्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बताया जाता है कि वन आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। सबसे पहले बच्चों को यही बताया जाता है कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 3 आवर्स दिए हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 आवर्स होंगे तो 2 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 आवर्स है तो हम क्या करेंगे, 1 आवर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 60 मिनट्स के। तो यहाँ पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 180 मिनट्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 180 मिनट्स। हमने इसको और से किस में कन्वर्ट किया, मिनट्स में। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो, 5 and a half hour, तो इसको हम कैसे करेंगे। पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे, 5 आवर्स प्लस हाफ आवर। यहां पर हम क्या करेंगे, 5 आवर्स है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस यहां पर हाफ है 1/2, तो आवर लिखा है तो यहां पर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम यहां पर 5/6 का 300 प्लस यहां पर हम कटिंग कर सकते हैं 30, तो 31 जा 30। अब यहां पर ये 30 आ गया, 300 प्लस 30, यहां पर हमने इनको प्लस कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ गया, मिनट्स में आ गया, 330 मिनट्स। 5 and a half और किसके बराबर होता है, 330 मिनट्स के बराबर होता है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट लेकर चलते हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम अलग अलग तरह से यहां पर हमें पार्ट दिए जा सकते हैं। इस तरह से दिया जा सकता है, इस तरह से दिया जा सकता है। 7 मल्टीप्लाई हम उसी तरह 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 30 मिनट्स। ऑलरेडी यहां पर 30 मिनट्स दिया गया है, यहां पर हमने कन्वर्ट किया था लेकिन यहां पर ऑलरेडी हमें 30 दिया गया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, देन 0 आ गया प्लस 30। अब हम इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो इन दोनों को प्लस कर लिया तो हमारे पास कितने मिनट्स हो गए, 450 मिनट। तो फ्रेंड इस तरह से हम और से मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर ये सबसे पहले बच्चों को इजी तरीके में इस तरह से बताया जाता है, जब इसमें बच्चा परफेक्ट हो जाए देन उसको हम आवर्स के बारे में और मिनट्स के बारे में, मतलब हम उसमें हाफ आवर प्लस करके इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। देन इस तरह से इन दोनों तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है, जो उनके लिए बहुत ही इजी रहेगा, जो मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।